सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गबर्स एजुकेशन पे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। उससे पहले जानकारी दे दें, अगर आपने अभी तक हमें YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप Instagram, Telegram, WhatsApp पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट वेन द बॉडी इज इन मोशन। जब हमारी बॉडी मोशन में होती है, कोई मूवमेंट करती है, तो कौन सा मसल है, कौन सा टाइप ऑफ मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कौन सा मसल है। ऑप्शंस है, न्यूट्रलाइजर्स, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर या फिर एगोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के ऊपर हमारे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हर एक मोस्टली एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो सही आंसर कौन सा है, एगोनिस्ट। प्राइमरी मूवर जो मसल होता है, जो प्राइमरी है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, वो मसल को हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट मसल। इसके बिल्कुल उल्ट कौन से मसल होता है, तो वो होता है एंटागोनिस्ट। पीछे वाला, जैसे कि हम ये वाली मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ऐसे खींच रहे हैं तो हमारा बाइसेप बाजू को खींच रहा है ये मूवमेंट करवाने के लिए, तो बाइसेप क्या है, बाइसेप हमारा प्राइमरी मूवर, उसको क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट। और ट्राइसेप है जो उसके उल्टी दिशा में और वो लंबा हो रहा है, खींच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। इसके अलावा न्यूट्रलाइजर, न्यूट्रलाइजर्स और स्टेबलाइजर्स, इनके काम क्या है, न्यूट्रलाइजर मसल है जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हैं उनको रोकता है और जो मूवमेंट है, मोशन है हमारा, उसको अच्छे से करवाने में हेल्प करता है। और ये कौन सा मसल होता है, तो ये होते हैं हमारे जो एंटागोनिस्ट मसल है, उन वही है न्यूट्रलाइजर। स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर्स मूवमेंट में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, बट ये मूवमेंट जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है उनको जरूर अच्छे से करवाते हैं, बट ये प्राइमरी मूवर का कोई साथ नहीं देते हैं, या फिर एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का कोई खास साथ इनका रोल नहीं होता है। इनका मेन रोल क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे मसल हैं जो, वो कौन से, स्टेबलाइजर है। वो काम क्या कर रहे हैं कि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मूवमेंट फाइन मूवमेंट हो, एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, तो उनको कौन कम कर रहा है, हमारा स्टेबलाइजर। इसके अलावा होते हैं सिनर्जिस्ट मसल। सिनर्जिस्ट मसल कैसे हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे एगोनिस्ट मसल की। जैसे कि ये वाली मूवमेंट कर रहे हैं तो बाइसेप में कितने मसल है, दो मसल है, दो ब्रांचिंग है और वो जुड़ के क्या है, बाइसेप है। तो एक मसल है जो मेन मसल है जो कि मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, जब वो सुगड़ता है तो मूवमेंट होती है। उसके साथ जो दूसरा उसकी ब्रांच है वो कौन सा है, वो है सिनर्जिस्ट। ब्रांचियल प्राइमरी मूवर कौन सा हो गया, एगोनिस्ट हमारा, बाइसेप ब्रांची होगी, उसके साथ की जो दूसरा मसल है वो कौन सा है, ब्रांचिलिस, और वो कौन सा है, सिनर्जियस मसल है, जो अगोनिस्ट मसल प्राइमरी मूवर की, सेकेंडरी मूवर जिसको हम बोल सकते हैं, प्राइमरी मूवर की हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी, इन एशियन टाइम्स गॉड अपोलो वॉज, एशियन टाइम की बात हो रही है, जो गॉड अपोलो थे वो किस चीज के गॉड थे, किस चीज के भगवान को माना जाता है। ऑप्शंस हैं, गॉड ऑफ सीन, गॉड ऑफ हीलिंग, गॉड ऑफ फायर या फिर गॉड ऑफ वॉटर। सही आंसर है गॉड ऑफ हीलिंग या फिर गॉड ऑफ म्यूजिक भी इनको बोला जाता है। और इनकी याद में इनके लिए जो गेम्स करवाई जाती थी, कौन सी, वो थी पैथोनिक गेम्स, और वो हर 3 साल बाद होती थी। जैसे ओलंपिक है वो 4 साल बाद होती थी और अभी भी 4 साल बाद होती है, पैथियंस गेम 3 साल बाद करवाई जाती हैं, और किन की याद में, गॉड अपोलो की याद में करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन का, दोनों का सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, फिजिकल का भी वो सेम ऑब्जेक्टिव है और सिर्फ एजुकेशन का भी वो सेम ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स या फिर मेंटल डेवलपमेंट। सही आंसर है मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन क्या बात करता है, होल डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की पूरी सारी सभी तत्वों की डेवलपमेंट, जिसमें मेंटली भी आ गया हमारा, सोशल भी आ गया, साइकोलॉजिकली आ गया, वो सब किस में आ जाएगा, हमारा फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है। तो एजुकेशन का भी ऑब्जेक्टिव है मेंटल डेवलपमेंट, हमारे दिमाग का विकास करवाती है एजुकेशन भी, फिजिकल एजुकेशन भी।
तो ये दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है, तो सही आंसर क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट मतलब हमारी जो मूवमेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवाती है, वो क्या करवाती है, हम एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी करते हैं तो जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो और अच्छा होता है, हमारी मूवमेंट्स और अच्छी होती हैं। उसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी बॉडी अगर हम खेलते हैं, खेल कूद कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी फिजिक है, फिजिकली डेवलपमेंट हमारी बॉडी की होती है। डेवलपमेंट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है, फिजिकल एजुकेशन, तो इनकी मेन बात कौन कर रहा है, फिजिकल एजुकेशन। हमारी मूवमेंट्स अच्छी होती हैं, हमारी बॉडी अच्छी होती है, हमारी स्पोर्ट्स अच्छी होती है, और मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, बट ये एजुकेशन में भी इसका ऑब्जेक्टिव है, तो सेम ऑब्जेक्टिव है मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज सिक्रेटेड बाय, जो बाइल जूस है जो कि हमारे पाचन तंत्र में बहुत ही डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी काम करता है, वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा, किडनी, पेनक्रियाज, या फिर लंग्स। सही आंसर है लीवर, लीवर सीक्रेट करता है बाइल को, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, तो लीवर सीक्रेट करेगा और वो कहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, वो होगा गॉल ब्लैडर में, और जब हम खाना खाएंगे तो गॉल ब्लैडर फिर वहां से आगे छोड़ेगा सीक्रेट किए हुए बाइल को, जो भी फूड खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जानकारी दे दें, अगर आप PSTET 2 पंजाब का जो टेट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करके गब्बर्स एजुकेशन प्ले स्टोर से, तो वहाँ से भी जो बैच है परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज डन यूजिंग, रिहैबिलिटेशन जो है स्पोर्ट्स इंजरी है, अगर किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है तो रिहैबिलिटेशन करवाते हैं, तो किस चीज़ के साथ डन होगा, किस चीज़ को यूज़ करने के बाद, रिहैबिलिटेशन क्या है, कोई इंजरी होगी किसी को तो जो पहले वाली सिचुएशन में बॉडी थी उसी सिचुएशन में उतनी स्ट्रेंथ, उतनी स्पीड, उतनी एक्यूरेसी सब लेके आना, वो क्या है, रिहैबिलिटेशन। मान लीजिए आपको फ्रैक्चर हो गया हाथ में, प्लास्टर लगा है 1 से 1.5 मंथ के लिए, तो हाथ में पहले जितनी ताकत थी, पहले जो उसकी मूवमेंट थी, ना तो वो रेंज ऑफ मोशन सेम रहेगा, ना ही वो स्ट्रेंथ रहेगी, ना वो स्पीड रहेगी, तो उस सब चीज़ जितने भी कॉम्पोनेंट हैं उनको वापस लेके आना, उसी को क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन। ऑप्शंस हैं फिजियोथेरेपी, करेक्टिव एक्सरसाइज, क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। अब सही आंसर है करेक्टिव एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी हम देंगे, मान लीजिए इंजरी हुई है किसी को भी, स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, हम पहले क्या फिजियोथेरेपी देंगे, आइसिंग करेंगे, जो भी करना करेंगे, बट उसके बाद लास्ट में क्या है, सब कुछ हो गया, जो इंजरी है वो थोड़ी ठीक हो गई है, बट उसको स्ट्रेंथनिंग करना, उसकी एक्यूरेसी लेके आना, उसका रेंज ऑफ मोशन है जो वो पहले वाली जगह पे लेके आना, उसके लिए हमें क्या करवाना होगा, एक्सरसाइज। तो थेरापेटिक एक्सरसाइज जिनको हम बोलते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज भी बोलते हैं, तो वो हमें करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारी जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा और हम पहले वाली सिचुएशन में बॉडी को लेके आ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्लास लीवर हैज, सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, ऑप्शंस है फल्क्रम इन बिटवीन फोर्स एंड रेजिस्टेंस। फल्क्रम है जो वो बीच में होगा, किसके बीच में, फोर्स एंड रेजिस्टेंस के। सेकंड ऑप्शन है फोर्स इन बिटवीन फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस। अब बोल रहे हैं कि जो फोर्स है वो बीच में होगी फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस के। थर्ड ऑप्शन है रेजिस्टेंस इन बिटवीन फल्क्रम एंड फोर्स। फोर्थ है इट इज़ विदाउट फल्क्रम, कि इसमें फल्क्रम होता ही नहीं है, तो ऐसा तो है ही नहीं। तीन चीज़ें जो लीवर में है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, फल्क्रम, फोर्स एंड रेजिस्टेंस। हर एक लीवर में ये तीनों चीज़ें मिलेंगी मिलेंगी आपको। फल्क्रम क्या होता है, वो पॉइंट जो एक्सिस का काम करता है, इसको एक्सिस भी हम बोलते हैं, पिवट भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर मूवमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, वो फल्क्रम है। फोर्स क्या है, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स है, या फिर आप जो एफर्ट लगा रहे हो उसको एफर्ट भी बोल सकते हो, फोर्स भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस क्या है, लोड जो भी हमने वेट उठाना है, लोड है जो, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब पूछ रहा है कि सेकंड क्लास लीवर में इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है सेकंड क्लास लीवर के लिए, तो सही है सी आंसर,
रेजिस्टेंस है जो जो वेट है जो लोड है वो फल्क्रम एंड फोर्स के बीच में रहेगा। जैसे कि रेडी की एग्जांपल है, हम पीछे से उठाते हैं इस तरह से, हमने देखी होगी एक रेडी जो होती है ट्रॉली टाइप, इधर वेट आ जाएगा। वेट कहाँ पे है? यहाँ पे है। फल्क्रम का काम क्या कर रहा है? जो आगे व्हील लगा हुआ है, जो चक्का आगे पहिया लगा हुआ है, वो काम क्या कर रहा है? फल्क्रम का। पीछे से इन डंडों से हम उसको उठाते हैं, क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, या फिर जो एफर्ट लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं। तो अब देखो बीच में क्या आ गया, वेट आ गया, रेजिस्टेंस इसके बीच में है। वेट, लोड या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो ये बीच में है। तो ये वाली ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस है जो बीच में होगा फल्क्रम एंड फोर्स। फल्क्रम ये रहा, फोर्स ये रही, और जो वेट है रेजिस्टेंस है वो बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू। इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर एक व्यक्ति है जो वो दूसरे इंसान से अलग है, उसके कुछ ना कुछ गुण अलग है, या तो वो लंबा है, छोटा है, पतला है, कोई मोटा है, कोई सांवले रंग का है, कोई थोड़ा ज़्यादा गोरा है, कोई चिट्टा है, कैसे भी है। कईयों की सोच में डिफरेंस है, किसी के बाल ज़्यादा है, किसी के बाल कम है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई कैसे सोचता है किसी चीज़ को, कोई कैसे सोचता है, तो ये सारे के सारे क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है। वो किसकी वजह से रहते हैं? जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसमें डिफरेंस है, अलग है, तो वो अलग क्यों है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हेरिडिटी इम्पैक्ट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। सही आंसर है सी आंसर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो भी बच्चा है जो पैदा होता है, तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से कुछ गुण सूत्र हैं जो वो लेके पैदा होता है। तो उसका फेस है अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। अगर मान लीजिए, और एक एग्जांपल है, अगर हम बात करें अफ्रीकन, जो अफ्रीकन है और इंडियन है, उनमें दोनों में जन्म से बहुत सारे डिफरेंस हैं। बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, कलर में, बालों में, तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। वो डिफरेंस कहाँ से मिल रहे हैं? वो पेरेंट्स से मिल रहे हैं। इंडियन जो बच्चा है वो सेम वैसा नहीं हो सकता, और अफ्रीकन बच्चा इंडियन जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे हमें जो गुण मिल रहे हैं वो अलग हैं, दोनों से अलग हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि हेरिडिटी है, जो बच्चे की हेरिडिटी है, जो पेरेंट्स से गुण मिल रहे हैं वो अलग हैं, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है। दूसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोच पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारी बॉडी पे, तो वो भी एक डिफरेंस है जो हमारे इंडिविजुअल में लेके आता है। तो सही आंसर है सी आंसर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है, क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट एशियन गेम वो हेल्ड एट दिल्ली। जो फर्स्ट एशियन गेम हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ओके, फर्स्ट सेफ गेम, साउथ एशियन गेम जो होती हैं, वर हेल्ड एट ढाका। ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट सेफ गेम हुई थी वो ढाका में हुई थी। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो फर्स्ट सेफ गेम हुई थी वो ढाका में नहीं हुई थी, वो 1984 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? काठमांडू नेपाल में हुई थी, काठमांडू नेपाल में हुई थी, ना कि ढाका में हुई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली ठीक है। अब नीचे ऑप्शंस हैं, सेकंड इज ट्रू, ये बोल रहे हैं कि सेकंड ट्रू है, नहीं सेकंड तो गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, नहीं सिर्फ पहली ठीक है, दूसरी तो गलत है। तीसरी ऑप्शन है, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो ये सही बोल रहा है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, बट सेकंड स्टेटमेंट है जो वो गलत है। अगर लास्ट ऑप्शन देखें, सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स, तो ये भी गलत है। ये बोल रहा है कि सेकंड ट्रू है बट सेकंड तो गलत है। तो सही आंसर कौन सा है? सी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉलीबॉल फॉर ओवरहेड पास। वॉलीबॉल में ओवरहेड पास जब करते हैं तो उसमें क्या होता है? हेड यूज करते हैं, फिंगर ऑफ वन हैंड आर यूज, एक हाथ की उंगलियों का यूज किया जाता है, फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड आर यूज,
दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं उंगलियां हैं उनका यूज किया जाता है, पाम ऑफ बोथ हैंड्स आर यूज, जो हमारी हथेलियां हैं इनका यूज किया जाता है दोनों हाथों की। सही आंसर क्या है? फिंगर्स का यूज किया जाता है, और दोनों हाथों की फिंगर्स का यूज किया जाता है जब हम ओवरहेड पास देते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि अंडर आर्म जो पास होता है वॉलीबॉल में, उसमें वो कौन से बॉडी पार्ट का यूज किया जाता है, तो हमारी फोर आर्म पे हम इस तरह से जो अंडर हैंड पास है वो देते हैं। तो इसका सही आंसर है फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड आर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट पोट इज ऑल्सो नॉन एज, बोट पोट है जो इसको और क्या क्या बोला जाता है और किस चीज के लिए यूज होता है? ए डिस्प्लेसमेंट प्लेस्मोग्राफी, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ड्यूल एनर्जी एब्जॉर्प्शन मीटरी, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। सही आंसर है ए आंसर, ए डिस्प्लेसमेंट प्लेस्मोग्राफी। इसमें होता क्या है, ये एक इक्विपमेंट है, इसमें जब बिठाएंगे तो इसमें जो एयर है वो डिस्प्लेसमेंट होगी, हवा जब कोई भी जगह है उसकी जगह पे आप किसी चीज़ को डालोगे तो वहाँ पे जो एयर है, जो इन्वायरमेंटली एयर है, जो भी है हवा है, वो क्या होगी, उस जगह से हटेगी। जैसे मान लीजिए सिंपल सी एग्जांपल है, कोई बस है वो रोड से जब गुजरती है तो पीछे से जब निकलती है तो पीछे से पत्ते हैं जो उसके पीछे को जाते हैं, या पन्नियाँ लिफाफे कुछ भी पड़ा कूड़ा पड़ा है तो वो एकदम उसके पीछे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बस जब अपने एरिया पे आती है तो वहाँ पे जितनी भी हवा थी उसको साइड में कर देती है, उसका एरिया ले लेती है। जब आगे जा रही है तो वो खाली एरिया पे जो हवा है वो फिर से वापस भरती है, इसीलिए जो साइड में जितने भी मिट्टी गट्टा जो भी है वो उसके पीछे को जाता है। सेम वैसे ही जब कोई इंसान इसमें बैठेगा तो जो अंदर हवा है इसके अंदर वो क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उसी को ये क्या करते हैं, इंटरप्रेट करके उसको देख के, तो जो बॉडी कॉम्पोजिशन है चेक करते हैं उसको, किसको, बॉडी कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन आ जाए कि बोट पोट किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन है जो इसमें कि जैसे फैट कितनी है, मसल मास कितना है, ये सब चेक करने के लिए बोट पोट है जो ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ फुटबॉल इज, फुटबॉल है जो इसका वेट कितना होता है, 400 ग्राम्स टू 450 ग्राम, 410 ग्राम टू 450 ग्राम, 396 ग्राम टू 453 ग्राम, 400 ग्राम टू 453 ग्राम। सही आंसर है 410 टू 450 ग्राम जो वेट है फुटबॉल की बॉल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स एनालाइज द मोशन इन टर्म ऑफ, काइनेमेटिक्स एनालाइज है जो मोशन का, इनमें से क्या है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, बोथ एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। सही आंसर है सी आंसर, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब काइनेटिक और काइनेमेटिक्स बायो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स है क्या कि जो हमारी मूवमेंट्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं उसका हम किस में स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स में। स्टडी ऑफ मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स है, तो एक्सीलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या है, ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी मिल रही है और साथ ही साथ ही ये क्या होता है, एक किसी एक डायरेक्शन में और साथ में मैग्नीट्यूड भी है। जैसे कि एक्सीलरेशन है, कोई चीज़ है हवा में ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो एक डायरेक्शन को, नीचे को डायरेक्शन को भी आ रही है और उसकी, उसको हम माप भी सकते हैं उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट है, कोई एक चीज़ जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे है, वो इस बी पॉइंट पे गया, ठीक है, गया चाहे इधर से घूम के है, बट जो कम से कम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें क्या आएगा कि मान लीजिए कि उसने 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है 10 मीटर दूर है, तो इसको हम माप सकते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसके अलावा ए बी से गया है तो इसकी कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साइड गया है, साउथ साइड गया है,
ईस्ट साइड गया है या वेस्ट साइड गया है, तो एक इसकी डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो इसकी अब जो भी एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी स्टडी किस में हम कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स में। तो मोशन को एनालाइज करेंगे किसे, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइफोसिस डिफॉर्मिटी इज आल्सो कॉल्ड, काइफोसिस डिफॉर्मिटी है जो, इसको और क्या बोला जाता है, ऑप्शंस है होलो बैक, राउंड बैक, लेटरल बैक या फिर बैक कर्व। बात किसकी हो रही है, काइफोसिस की, किस बॉडी पार्ट में हमारे काइफोसिस डिफॉर्मिटी होती है, तो हमारी बैक बोन में जो अपर बैक है, थोरैकिक वाला रीजन है, वहाँ पे ये वाली डिफॉर्मिटीज होती है, इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको राउंड बैक भी बोला जाता है, सही आंसर है बी राउंड बैक। होलो बैक किसको बोला जाता है, होलो बैक लोरिसिस को बोला जाता है, लेटरल बैक किसको बोला जाता है, तो स्कोलोसिस को लेटरल बैक बोला जाता है। इस क्वेश्चन की सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। इस तरह से हमारा जो थ्रैकिक स्पाइन है, ये वाला एरिया है जो सर्वाइकल के नीचे वाला, इसकी जो कर्व है ये बढ़ जाती है, ये नॉर्मल कर्व है, और ये आप देख सकते हो कि इसमें कवर है, कर्व है जो उसमें डिफॉर्मिटी आ चुकी है। नेक्स्ट है, कृष्णा पूनिया इज रिलेटेड टू, कृष्णा पूनिया कौन सी गेम से रिलेटेड है, ऑप्शन है कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक या वॉलीबॉल। सही आंसर है एथलेटिक, एथलेटिक की प्लेयर है, डिस्कस थ्रो की प्लेयर है, एशियन गेम्स में इनका गोल्ड मेडल था और इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड 2010 में मिला था इनको और पद्मश्री मिला था 2011 में। तो एथलेटिक ही हैं, इवेंट की अगर बात करें तो डिस्कस थ्रो इनका इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड अप गेम हेल्प्स, लीड अप गेम है जो वो हेल्प करती है, अब लीड अप गेम होती क्या है, आपने लेसन प्लान जरूर बनाए होंगे बीपीएड में एमपीएड में, तो लेसन प्लान में लास्ट में क्या होता है, एक लीड अप गेम है जो कि बच्चों को हम खिलवाते हैं, क्यों खिलवाते हैं, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रोवाइड स्किल, स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड इम्प्रूव स्किल। सही आंसर है प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड इम्प्रूव स्किल, जो भी स्किल हमने सिखाई है पूरे लेसन प्लान में, तो लास्ट में उसी स्किल के ऊपर उनका एक मैच करवा दिया जाता है, कॉम्पिटिशन करवाया जाता है, जिसमें वो रिक्रिएशन भी कर रहे हैं और साथ में उनकी जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। तो सही आंसर है रिक्रिएशन एंड इम्प्रूव स्किल। द फाइव इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ फाइव डिफरेंट कलर्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग रिफ्लेक्ट, जो इंटरलिंक रिंग है, पांच रिंग है जो फ्लैग में, वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, द यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यूनिटी को, द ब्रदरहुड अमंग मैनकाइंड, द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन या फिर स्पोर्टिंग स्पिरिट ऑफ मैन। सही आंसर है द यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की यूनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो रिंग है, एक रिंग रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक कॉन्टिनेंट को एक रिंग है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच किए हुए हैं, क्या दर्शाने के लिए, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेइंग सरफेस, इनमें से कौन सा प्लेइंग सरफेस नहीं है, पॉलीग्रास, एस्ट्रोट्रफ, साइबैक्स या फिर टेराफ्लेक्स। सही आंसर है साइबैक्स, साइबैक्स एक कंपनी है ना कि ये प्लेइंग सरफेस है। अब पॉलीग्रास क्या है, तो नकली घास है जो, उसको क्या बोला जाता है, पॉलीग्रास। एस्ट्रोट्रफ, एस्ट्रोट्रफ हॉकी में यूज की जाती है, तो हॉकी का जो प्लेइंग सरफेस है वो किस चीज का होता है, एस्ट्रोट्रफ का होता है। और टेराफ्लेक्स, टेराफ्लेक्स ये मोस्टली इंडोर गेम्स में टेराफ्लेक्स यूज की जाती है, जैसे कि वॉलीबॉल, उसके अलावा बैडमिंटन और बहुत सारी गेम्स हैं, बास्केटबॉल है, उनमें टेराफ्लेक्स इंडोर में मोस्टली आजकल यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ
फ्रैक्चर द इमीडिएट केयर इज, अगर फ्रैक्चर हो जाए किसी को तो सबसे पहले इमीडिएटली क्या करना चाहिए, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए पेशेंट को, स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इंजर्ड एरिया, जो इंजरी वाला एरिया है उसकी मूवमेंट को रोक देना चाहिए, गिव आइस ट्रीटमेंट, आइस ट्रीटमेंट देना चाहिए, बर्फ लगानी चाहिए इंजरी वाली जगह पे, या फिर एंटी टेटनस इंजेक्शन में गिवन, एंटी टेटनस जो टेटनस का इंजेक्शन है वो लगवाना चाहिए। सही आंसर क्या है, स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इंजर्ड एरिया। सबसे पहले अगर किसी को मान लीजिए कि उसके लेग में चोट लगी है तो उसकी लेग की जो मूवमेंट है उसको रोकना होगा। अगर आपके पास पहले से वहाँ पे मेडिकल वाले हैं तो वो अपनी किट लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप लकड़ी का यूज़ कर सकते हो, ऐसे लकड़ी रख के उसके ऊपर उसको किसी भी कपड़े से या किसी रुमाल से जो भी आपके पास है उसको बांध सकते हो, ताजो की जो मूवमेंट है वो ना हो और जो इंजरी है वो और आगे ज़्यादा ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डेवी इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ, जॉन डेवी को किस चीज़ का फादर माना जाता है, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म या फिर नेचुरलिज्म। सही आंसर है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का है फादर कौन है, जॉन डेवी, आइडियलिज्म के प्लेटो, रियलिज्म के एरिस्टोटल, नेचुरलिज्म के रूसो। तो इनके फादर जो फिलोसफीज हैं, याद रखना कि कौन सी फिलोसफी का किसको फादर माना जाता है। कार्ल ग्रूस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले, प्ले की थ्योरी है ये वाली, तो पूछ रहे हैं कि कार्ल ग्रूस हैं जो, ये किस थ्योरी से एसोसिएटेड है। सही आंसर है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या है, इस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी ये थ्योरी, तो कार्ल ग्रोस के द्वारा की थी, कि सरप्लस एनर्जी स्पेंसर एंड स्किलर के द्वारा, रिकैप्चुलेशन स्टैनली हॉल एंड रिक्रिएशन जीटी पैट्रिक के द्वारा दी गई थी। हाउ मैनी पॉइंट्स आर गिवन फॉर लूना इन कबड्डी गेम, अगर लूना होता है कबड्डी गेम में तो कितने पॉइंट हैं जो वो दिए जाते हैं, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट। सही आंसर है 2 पॉइंट। ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। मान लीजिए आप रेडर हो, आप गए रेड डालने, आगे दो ही प्लेयर थे, आपने दोनों को टच किया और वापस आ गए, आपको ये दो स्कोर तो मिलेंगे ही मिलेंगे कि आपने दोनों को टच किया है, वो दोनों बाहर गए, पूरे का पूरा जो ओपोजिशन वाले हैं वो पूरे बाहर चले गए ग्राउंड से, सारे के सारे आउट हो चुके हैं, तो दो जो आप जिनको टच करके आए हो वो तो स्कोर मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हैं क्योंकि आपने उनकी साइड है जो पूरी खाली कर दी, सारे आउट कर दिए, तो 2 स्कोर मिलते हैं लूना के। लूना मतलब सारी टीम बाहर चली गई और उसके पॉइंट कितने एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट। किन्सियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, किन्सियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, ह्यूमन मोशन की, मोटर मूवमेंट्स की, फिजिकल फिटनेस की या फिर एंथ्रोपोलॉजी। सही आंसर है ह्यूमन मोशन। हम मोशन कैसे करते हैं, हमारी मूवमेंट कैसे होती है, प्लेन एंड एक्सिस हम करते हैं, तो वो सब किस में हो रहा है, वो सब है किन्सियोलॉजी में ही। किन्सियोलॉजी में ही हम स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो मूवमेंट को एनालाइज करना किस में होता है, किन्सियोलॉजी में। तो ये किसकी स्टडी है, ह्यूमन मोशन की स्टडी को बोला जाता है किन्सियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ योग, योग के फादर किनको माना जाता है, स्वामी शिवानंदा को, ऋषि इवेश जोगी को, स्वामी स्वातम राम को या फिर महर्षि पतंजलि। सही आंसर है महर्षि पतंजलि। पतंजलि जी को फादर ऑफ योगा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निकल टर्म इज इन्वॉल्व्ड इन गेम ऑफ हॉकी, इनमें से जो टर्म दे रखी है हॉकी से इन्वॉल्व कौन सी है, ऑप्शन है इंजेक्टर, पुटिंग, लेट या फिर स्टिक। सही आंसर है स्टिक। हॉकी की जो स्टिक है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं, तो स्टिक टर्म किस में आ रही है, हॉकी में आ रही है। सही आंसर है डी।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, फिजिकल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिटनेस, लॉन्गेविटी या फिर होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सही आंसर है डी आंसर, होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो हमारी पर्सनैलिटी है उसकी होल डेवलपमेंट, हर पक्ष का विकास, जैसे कि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो ये क्या है सॉरी, पूरी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, हमारी सारी की सारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, जिसमें इमोशनल, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट आती है, तो होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा मेथड, हमारा मटेरियल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप PSTET 2 की तैयारी कर रहे हो पंजाब के पेपर की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, इस नंबर पे बात करके मैसेज कॉल कर सकते हो। इसके अलावा या फिर आप सीधा प्ले स्टोर से गब्बर्स एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से हमारा बैच है जो परचेज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की क्लास, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, तब तक अलविदा जी, सत श्री अकाल।